Today's topic is emotions, its definition and characteristics. जब हम इमोशंस पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल है, इमोशंस हैं क्या? हम सब लोगों के पास इमोशंस हैं, है ना? कौन कौन से इमोशंस होते हैं? खुशी, गमी, हैप्पीनेस, एंगर, ये सब, है ना, बीइंग सैड, ये सारे क्या हैं? इमोशंस। लेकिन जब हमसे पूछा जाए इमोशंस होते क्या हैं, हम टाइप्स तो बता सकते हैं लेकिन इमोशंस क्या हैं ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो इमोशंस क्या होते हैं? इमोशन जो शब्द है, इमूव शब्द से बना है जिसका मतलब है टू मूव और स्टर अप। तो आम शब्दों में अगर हम कहें तो इमोशंस क्या है, इमोशंस हमारी नॉर्मल स्टेट नहीं है, ये स्टर्ड अप स्टेट है जिसमें हम भावुक हुए होते हैं, वो हमारी आम स्थिति नहीं होती है। और आमतौर पे हम कहते हैं भावुक स्थिति में हमारा दिमाग काम नहीं करता और हम जो भी फैसला लेते हैं वो कई बार सही नहीं होता। सो इमोशंस, इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इमूव, जिसका मीनिंग क्या है, टू मूव या स्टर अप, उत्तेजित अवस्था। तो वुड्सवर्थ क्या कहता है, वुड्सवर्थ डिफाइंस इमोशंस एज अ स्टर्ड अप स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़ डिस्टर्ब मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटी। तो वुड्सवर्थ कहता है इमोशंस क्या है, ये हमारी एक उत्तेजित अवस्था है, ये व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है जिसमें उसकी मांसपेशियों की और उसकी जो ग्रंथियाँ हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब्ड होती है। बक 1988, ही डिफाइंस इमोशन एज अ प्रोसेस बाय विच मोटिवेशनल पोटेंशियल इज रियलाइज और रेड आउट व्हेन एक्टिवेटेड बाय चैलेंजिंग स्टिमुलस। तो बेसिकली वो क्या कहता है कि इमोशन क्या है, एक ऐसी विधि है जिसके साथ हमारी जो अंतर प्रेरणा है उसका हमारा जो लेवल है वो हमें रियलाइज होता है, वो हम उसको अचीव कर पाते हैं क्योंकि हम उत्तेजित अवस्था में हैं। क्योंकि आम तौर पे आपने देखा होगा कि इमोशनल स्टेट में हम जो कर सकते हैं वो आम स्टेट में नहीं कर पाते। तो इमोशंस जो है वो हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, एक्स्ट्रा एक सोच देता है जिसकी वजह से हम जो काम आमतौर पर नहीं भी कर पाते वो उस स्टेट में कर पाते हैं। सो बैरन 1992 ही स्टेट्स दैट इमोशंस आर रिएक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट्स, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर। सो अकॉर्डिंग टू बैरन, इमोशंस क्या है, ये एक तरह की प्रतिक्रियाएं हैं जिसमें हमारी व्यक्तिगत ज्ञानात्मक स्थिति आती है, हमारी शारीरिक रिएक्शंस आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती हैं और जो भी हम जाहिर कर सकते हैं वो सारा व्यवहार उसमें शामिल होता है। नाउ वी कम टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस या संवेगों की विशेषताएं। अब हमारी इसकी इमोशंस की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहली है कि इमोशंस दे रेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या है कि इनकी एक रेंज है, पॉजिटिव जब हम अच्छे मूड में होते हैं और नेगेटिव जब हम बुरे मूड में होते हैं। तो सैड टू हैप्पीनेस, ठीक है, कामनेस टू अग्रेसिवनेस, तो ये क्या है, एक्सट्रीम्स हैं, दे रेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, इमोशंस आर क्लोजली लिंक्ड टू मोटिवेशन, संवेग और अंतर प्रेरणा में काफ़ी गहरा संबंध है। क्या संबंध है कि जब हम मोटिवेटेड होते हैं, मोटिवेशन क्या होती है, लंबे समय तक चलती है। तो अगर हम मोटिवेटेड होने के साथ साथ जब इमोशनल होते हैं तो हम जो चीज़ें आमतौर पर नहीं भी हो पाती वो भी हम कर जाते हैं क्योंकि हम उस टाइम पर आम स्थिति में नहीं होते, हम भावुक स्थिति में होते हैं। अब जैसे आप मोटिवेटेड हो, घर में शादी है, हमने घर में शादी का काम करना है, वी आर मोटिवेटेड कि हमारा फंक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो आप उस टाइम पे, शादी का माहौल है, आपके घर की शादी है, भावुक भी हो और आप लगातार कई दिन तक 2-3 घंटे सो के भी बड़ा अच्छे तरीके से काम करते हो जो हम आमतौर पे कभी नहीं कर पाते। अगर आमतौर पे आपकी किसी दिन रात को नींद भी डिस्टर्ब होती है तो अगले दिन पूरा दिन खराब जाता है। लेकिन मोटिवेटेड और इमोशनल स्टेट में जब हम 2 घंटे भी सोते हैं तब भी हम अगले दिन परेशान नहीं होते। सिमिलरली एग्जामिनेशन टाइम पर भी यही होता है। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, इमोशंस आर सब्जेक्टिव। तो इमोशंस जो होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, वो वस्तुनिष्ठित नहीं है, व्यक्तिगत है। सेम सिचुएशन में एक जना बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है और दूसरा उस सिचुएशन में दुखी भी हो सकता है। सपोज़ तुम्हारा रिजल्ट आता है और 2 जनों के 60% मार्क्स आते हैं तो एक जने को 60% बहुत अच्छे लग सकते हैं और दूसरे को बुरे लग सकते हैं क्योंकि पहले वाला ये सोचता है कि मेरे तो बड़ी मुश्किल से 50 आएंगे, जब उसके 60 आ गए तो वो बहुत खुश है। लेकिन जो दूसरे वाला है वो सोचता है मेरे तो 70% आने चाहिए, अब उसके 60 आए तो वो दुखी है। तो इमोशंस दे आर सब्जेक्टिव और दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू
पर्सन। इमोशंस आर अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड कॉनेटिव। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो व्यवहार है उसके तीन पहलू होते हैं, कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो संवेग जो हैं उनमें ये तीनों पहलू होते हैं, उनके अंदर ज्ञानात्मक पहलू भी है, उसके अंदर भावात्मक पहलू भी है और उसके अंदर क्रियात्मक पहलू भी है। क्योंकि जब तुम खुश होते हो तो तुम्हारा जो बॉडी पोस्चर है, जो तुम्हारा व्यवहार है, वो जाहिर करता है कि तुम खुश हो। उस टाइम पे जो भी तुम सोच रहे होते हो वो भी पॉजिटिव होता है और भावुक तो तुम हो ही हो। नेक्स्ट फैक्टर से कि इमोशंस आर सडन। कभी भी तुम प्लान नहीं कर सकते हो कि आज शाम को 5 बजे मैं दुखी होऊंगा या आज शाम को 5 बजे मैं खुश होऊंगा। इमोशंस क्या होते हैं? सडन होते हैं, एकदम से होते हैं। किसी भी सिचुएशन में तुम एकदम से इमोशनल हो जाते हो, तो इमोशंस दे आर नॉट प्लान, दे आर सडन। इमोशंस परसिस्ट एज मूड। इमोशंस बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं। इमोशंस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो रह जाता है वो मूड रह जाता है। तुम सोच के देखो, रिजल्ट आया, एक बार देखा, बहुत खुश हुए, लेकिन उसके बाद तुम्हारा खुशी का मूड रह जाता है, लेकिन वो जो खुशी है वो मोमेंट्री होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। उसी तरह से दुखी होने की बात है, एकदम से दुखी होते हो लेकिन बाद में वो सिर्फ मूड रह जाता है ख़राब, लेकिन तुम्हारा वो जो दुख इमीडिएटली हुआ था वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, उसके बाद चला जाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो क्या है? इमोशंस वेरी इन इंटेंसिटी। संवेग जो है हमेशा सेम नहीं होते, कभी तुम ज़्यादा खुश हो, कभी तुम कम खुश हो, कभी तुम ज़्यादा दुखी हो, कभी तुम कम दुखी हो, कभी तुम ज़्यादा गुस्से हो, कभी तुम कम गुस्से हो। तो संवेग जो है दे वेरी इन इंटेंसिटी, सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, हर तरह के डिफरेंसेस इमोशंस में रहते हैं। सेकंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इमोशंस डोमिनेट कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। जब तुम इमोशनल स्टेट में होते हो तब तुम्हारा जो बिहेवियर है उसमें इमोशंस डोमिनेट करते हैं, इमोशंस जाहिर होते हैं और वो तुम्हारे जो उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है, चेतना में जो चल रहा है और जो तुम्हारा व्यवहार है, उन दोनों में तुम्हारा जो संवेग है वो झलकता है। जैसे तुम खुश हो तो तुम्हारी हर बात से खुशी झलकेगी और तुम्हारे व्यवहार से भी जो है खुशी झलकेगी और तुम्हारी चेतना में भी अच्छी अच्छी बातें चल रही होंगी। और जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हें हर चीज़ दुखी लगने लग जाती है। देन इमोशंस कैन बी वर्क बाय वेराइटी ऑफ स्टिमुलाई। ये नहीं है कि हमेशा एक ही चीज़ से तुम इमोशनल होते हो, बहुत तरह के जो उत्तेजक हैं वो तुम्हें इमोशनल कर जाते हैं। कभी कोई फ्रेंड के आना या किसी रिश्तेदार का आना या कोई चीज़ मिलना, इन सब से तुम्हें खुशी मिल सकती है। तो इमोशंस जो है सेम है खुशी का, लेकिन वो अलग अलग स्टिमुलाई से इवोक होता है, उनसे जाहिर होता है, प्रकट होता है। सो नेक्स्ट है रीजंस दे प्रोवाइड अ चेक ऑन इमोशंस। जो जब तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो जो रीज़न है, रीजनिंग के साथ जो हमारा इमोशन है वो कंट्रोल में रह सकता है। जब तुम बहुत खुश होते हो तो नहीं इतना खुश नहीं होना चाहिए, हमें लिमिट में ही खुश होना चाहिए। या फिर जैसे क्रिकेट का मैच होता है, जो टीम जीतती है वो बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं करती क्योंकि उसको लगता है कि दूसरी टीम को बुरा लगेगा, तो इसलिए वो बैलेंस करना सीखते हैं। वो रीज़न है कि हमें दूसरों को ज़्यादा दुखी महसूस नहीं करवाना चाहिए, तो इस वजह से दैट रीज़न दैट प्रोवाइड्स अ चेक ऑन इमोशंस। द नेक्स्ट है इमोशंस आर एड्स इन एमरजेंसी। जब भी कोई एमरजेंसी सिचुएशन होती है, तुम इमोशनल होते हो तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा स्किल आ जाता है जिससे हम उस एमरजेंसी को डील कर पाते हैं। हिंदी मूवीज़ देखी, उसमें जब हीरो इमोशनल होता है तो तुम देखो 2-3 गोलियां खा के भी जिंदा रह जाता है। तो वो क्या है? इमोशनल सिचुएशन जिसमें उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और वो बड़ी मार मूर खा खो के भी अल्टीमेटली अपनी फाइट जो है वो कंप्लीट करके जीत भी जाता है। सो इमोशंस जो है दे आर एड्स इन एमरजेंसी। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, अब तुम एग्ज़ाम है कल को, तैयारी की नहीं है तो तुम नहीं मुझे पास होना चाहिए और मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, तो उस टाइम पे तुम इमोशनल हो रहे होते हो। तो वो जो एमरजेंसी है तो उस टाइम पे जो तुम्हारा इमोशन है ना, चाहे वो फिक्र का है, तो वो तुम्हें एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से तुम लगातार बैठ के पढ़ पाते हो। देन नेक्स्ट है इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड इन ओवर बिहेवियर। जो हमारा व्यवहार जो जाहिर होता है उस व्यवहार में संवेग जो हैं वो प्रकट होते हैं, नज़र आते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन इमोशन एक्सप्रेशंस। जो हमारा
इमोशनल एक्सप्रेशन है वो व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति का अपना इमोशन को प्रकट करने का, संवेग को प्रकट करने का अलग तरीका है। कई थोड़ी सी बात पे इतने खुश हो जाते हैं, कई बड़ी बात पे भी अपने इमोशन के बारे में पता ही नहीं चलने देते। सो देर आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन इमोशनल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट है, देर आर कल्चरल वेरिएशंस इन इमोशनल एक्सप्रेशन। तो हमारा जो कल्चर है, आप सब लोगों ने मूवी देखी होगी पीके, उसमें दिखाया है कि कैसे वो एक करेक्टर है जो बाहर की दुनिया से आया है, उसको हमारे कल्चर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो एक जगह वाइट ड्रेस वाला जो है वो कल्चर है जहाँ पे उसको दुख प्रकट कर रहे हैं, और दूसरे कल्चर में वाइट ड्रेस में शादी हो रही है, खुशी जाहिर हो रही है। तो कल्चरल वेरिएशंस है कि एक कल्चर जो है वो कहता है कि शादी के टाइम पे तुम रेड कलर के कपड़े पहनोगे, और अगर दुख का टाइम है तो वो सफ़ेद कपड़े पहनोगे, और दूसरा कल्चर है वो कहता है कि खुशी के टाइम पे वाइट कपड़े और दुख के टाइम पे ब्लैक पहनने। सो ये कल्चरल वेरिएशंस है इमोशनल एक्सप्रेशन के, और ये कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। नेक्स्ट है, देर आर क्रॉस कल्चरल सिमिलैरिटीज इन इमोशनल एक्सप्रेशंस। अब ये नहीं है कि डिफरेंसेस हैं तो हर तरह ही डिफरेंसेस हैं। कुछ चीज़ों में ये देखा गया है कि इमोशनल एक्सप्रेशन स्पेशली जो संवेग, जो कुछ संवेग ऐसे हैं जो यूनिवर्सल है, सर्वव्यापक है, जो सब जगह पाए जाते हैं, तो उनका जो एक्सप्रेशन है, उनको जो जाहिर करने का तरीका है, वो अलग अलग कल्चर्स का सेम है। जैसे हंसने के टाइम पे अपने दांत दिखाना, तो ये सबका ही तरीका है। किसी में हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो अपनी खुशी रो के प्रकट करते हैं, नहीं, वो सब हंसना जो है दैट्स वेरी कॉमन। हाँ, ज़्यादा ये कम अलग बात है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी सिमिलर हैं, यूनिवर्सल हैं। देन नेक्स्ट है, इमोशनल एक्सप्रेशन इज़ इननेट। अब जो इमोशनल एक्सप्रेशन है, संवेग को जाहिर करना हमें सिखाया नहीं जाता, वो अंदरूनी होता है। एक छोटा बच्चा है, उसको भी हंसना और रोने के बारे में पता होता है, तो अंदर से ही अंदरूनी ही होता है संवेग को जाहिर करना। नेक्स्ट है, न्यूरल प्रोसेसिंग ऑफ इमोशंस। जो संवेग हैं वो हमारी ब्रेन में प्रोसेस होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है, तो ये सारे डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स हैं जो इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है, इमोशंस अपीयर एट ऑल एजेस। संवेग जो हैं वो हर एक उम्र में पाए जाते हैं, ये नहीं कि छोटे बच्चों में इमोशंस ज़्यादा होते हैं या बड़ों में ज़्यादा होते हैं, या छोटों में कम होते हैं या बड़ों में ज़्यादा होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इमोशंस जो हैं वो सभी एज ग्रुप्स में पाए जाते हैं। ओके, द 19th कैरेक्टरिस्टिक, 19th जो हमारी विशेषता है इमोशंस की, वो है इमोशंस आर अफेक्टेड बाय मैच्योरेशन एंड लर्निंग। जो इमोशंस हैं, जो छोटे बच्चे के इमोशंस होते हैं, बड़े सडन होते हैं एकदम से, और आपने कई बार देखा होगा कि वो रो रहा है, रोते रोते उसको एक टॉफ़ी दे दो एंड वो हंसना शुरू कर देगा, अभी उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। तो जो छोटा बच्चा है उसके इमोशंस का प्रगटावा जो है अलग तरह का होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते चले जाते, वैसे वैसे हमारा जो इमोशंस को, जो संवेग को जाहिर करने का तरीका है, वो प्रभावित होता जाता है। तो बड़े जो हैं वो इमोशंस को बेटर कंट्रोल कर पाते हैं, और छोटे बच्चे कंट्रोल उतना नहीं कर पाते। एंड द लास्ट करैक्टरिस्टिक इज इमोशंस फॉर्म द रॉ मटेरियल ऑफ सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स क्या होते हैं, जैसे रिलीजन के प्रति सेंटीमेंट, अपने देश के प्रति सेंटीमेंट, तो ये जो होते हैं, जो भावनाएं जो बड़े ग्रुप के साथ जुड़ी होती है, उनको हम बोलते हैं सेंटीमेंट। तो जो संवेग है ये वो सेंटीमेंट का आधार है, उसका रॉ मटेरियल है।